हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंटेंट इनसाइड। तो आज जैसे आपने एक पुरानी वीडियो देखी थी जिसमें हम लोगों ने यंत्रालय से दो चीज़ें मंगाई थी, एक तो एयरपॉड्स का कवर और दूसरा गोप्रो का कवर। सो आज हम गोप्रो के कवर की अनबॉक्सिंग करेंगे। ये तो काफ़ी अच्छा चल रहा है ना, मतलब बहुत सस्ता भी था शायद, मुझे याद नहीं कितने का था, बट हाँ काफ़ी अच्छा चल रहा है ये। तो एक आज हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और क्योंकि मैं कहीं हम लोग कहीं जा रहे हैं तो सोचा कि इस पर थोड़ी सी सेफ्टी हो जाएगी, कोई इसका कवर लगा देंगे तो, है ना। ठीक है, तो ये आया yantralay.com से, अमेज़ॉन से मैंने मंगाया था, तो अमेज़ॉन पर आया। केसिंग है बेसिकली इसकी, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इस तरह का कुछ केस है, ये इसका केसिंग आती है। ये सॉफ्ट केस है, जैसे ये है ना, हार्ड प्लास्टिक नहीं है, सॉफ्ट है। और दूसरा इसकी कुछ ये चीज़ आई है, तो इस बॉक्स में सिर्फ ये दो चीज़ें थी। हम साइड रख देते हैं बॉक्स को। तो एक तो है क्या कि इसमें स्क्रीन गार्ड आया है, ठीक है, स्क्रीन गार्ड आया है, ये स्क्रीन के लिए शायद आया है ना, इसमें देखना पड़ेगा, बट हाँ जहाँ तक मुझे याद है इसमें स्क्रीन गार्ड भी है और इसकी सॉफ्ट केसिंग है, ये इस तरह की सॉफ्ट केसिंग है, देखो आप देख सकते हैं ना। और ये जो कैमरा है इसकी ऊपर कवर, इसकी भी एक कवर है, इसकी भी लिड है कि कैमरा क्योंकि ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, कभी टूट ना जाए, है ना। तो एक ये कुछ सामान आया है, तो मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ आपको, ये क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या है एक बार ये देख लेते हैं। तो इसमें एक ये सॉफ्ट केसिंग आई है इसकी, ठीक है, yantralay.com इनका लिखा हुआ है। गोप्रो लिखते तो अच्छा रहता, बट हाँ गोप्रो तो नहीं लिखा है इसमें ना, yantralay लिखा हुआ है, ठीक है। तो पीछे की साइड ये है, ओपन है यहाँ से ताकि आप टच कर सको स्क्रीन। और ये इसका कवर है, इस तरह की केसिंग हो जाएगी सर, मतलब बेसिकली इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आई गेस ये थोड़ा स्मॉल लग रहा है मुझे डाउट है, बट देखते हैं कि शायद हाँ अच्छा इस पर लगे, जब आपका ये इस तरह से लग जाएगा तो उस पर ये फिट बैठ जाएगा। और फिर इसके लिए कि ये बैंड है कि मतलब ऑब्वियसली आप इसको बैंड को यूज़ कर सकते हो ना। तो पहले तो इसमें ये चेक कर लेते हैं इन दोनों में क्या क्या है। मुझे जहाँ तक पता है इस फ्रंट स्क्रीन और बैक स्क्रीन, जो फ्रंट है और बैक है दोनों स्क्रीन के लिए इसमें टेम्पर्ड ग्लासेस है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कौन से में क्या है। तो ये तो वाइप्स है, वेट वाइप, ठीक है, ये आ गई बैक की, ठीक है, और ये ही फ्रंट की है। और इसमें देख लेते हैं इसमें क्या है। अच्छा ठीक है, हाँ तो ये देखो इसमें ये एक मतलब अच्छा ऑप्शन है कि यार 299 रुपीज़ में मैंने जो भी मंगाया है उसमें आपको दो टेम्पर्ड ग्लासेस मिलते हैं फ्रंट और बैक के, है ना। तो ये है कि एक को तो हम मैं साइड रख लेता हूँ अपना, अगर मेरा पहला वाला टूट गया तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा। तो ये अच्छा है यार, मतलब कि काफ़ी सही है ये चीज़, है ना। तो इसमें ये केसेस आए हैं, ये फ्रंट ये बैक, ठीक है, ये जो यहाँ पर लगेगा उसका, और इसका ये जो पीछे की स्क्रीन है ना ये वाली इस तरह की, तो इधर लग जाएगा, तो सही है क्योंकि इसमें यार ज़रूरत तो है ही। खैर वैसे ये एक्शन कैमरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी इस तरह से कि गिरेगा तो ज़्यादा टूटेगा नहीं, है ना, काफ़ी इसकी रिजिड बिल्ड क्वालिटी है। तो ये एक इसमें पॉइंट है। हाँ, और ये GoPro 9 है, GoPro 10 नहीं लिया मैंने, GoPro 9 लिया था जब लॉन्च हुआ है। GoPro 10 भी काफ़ी अच्छा है अब तो। खैर तो एक बार इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको खैर क्लीन करना पड़ेगा, तो काफ़ी गंदा हो गया, कल ही मैंने कहीं यूज़ किया था, तो उसके भी व्लॉग डाल देंगे हम लोग। GoPro के यार कोई वीडियोस देखता है नहीं, मतलब हमारे चैनल पे नहीं देखते, वैसे तो सबके देखते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा कुछ अपलोड कर नहीं पाते। और ये हाँ, बट GoPro के एक अलग ही फैन बेस है। GoPro में एक्चुअली ये होता है कि स्टेबलाइजेशन इसकी जिस तरह की है कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी गिम्बल की, नहीं तो अब डिजिटल DJI का OM5 जो आया है फ़ोन गिम्बल, है ना, वो 14,000 का है, बट वो तब है ना जब आपके पास कैमरा बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तब तो उसका कुछ फ़ायदा है, वरना तो नहीं है। तो ये तो इधर ही फंस गया है। खैर इसको इधर रख देता हूँ, वाइप यूज कर लेते हैं। ये क्या चीज़ है, दो ये कैमरे की भी आई है क्या। अच्छा इसमें तो कैमरे की भी है यार, ये तो सही है, फिर कैमरे की भी है इसमें तो, ये सही चीज़ है। तो सबसे पहले तो हम इसमें से वेट वाइप निकालते हैं, इसको यहाँ से खोलते हैं,
फाइल को हम रखो साइड, फिर ये ड्राइव वाइप को यूज करते हैं। अब ये किधर से, ये इधर से इसकी ओपनिंग है ना, इसी साइड से ये स्टेप होगा। ये नहीं पता है ये स्टैम्पर्ड है क्या, क्या है सॉफ्ट है क्या ये लिखा हुआ बैक। मुझे लग रहा है ये लग गया इसमें, तो ये लगा के देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। अच्छा ये स्टिकर है, ये जो स्टिकर है ये लगेगा इसमें, जिसमें रेड वाला ये लगेगा अगर आप लोग मंगाते हो तो। तो इंस्टॉलेशन का तरीका थोड़ा सा मेरा गलत है, पर हम ट्राई करते हैं जितना अच्छे से लग जाए। ये कर दिया हमने खराब। अच्छा दो कवर है ना इसमें, अच्छे से फिट हो गया। बबल्स आ गए हैं वैसे तो, बट कोई बात नहीं यार, बबल्स तो मैं हटा ही दूंगा बाद में। तो अभी खैर इसको लगने देते हैं, यहाँ यहाँ से हटाऊंगा तो एक इसका केसिंग आ जाएगी। मुझे लग रहा है टिक ही नहीं हुआ है अच्छे से, टिक होगा कहाँ से फिर ये। क्या इंस्टॉलेशन की तो खैर दिक्कत थी, समझ तो नहीं आया मुझे, बट एक दो बबल तो रह गए। ठीक है मतलब लग गया है ना, एट द एंड प्रोटेक्टिव लेयर होना चाहिए और क्या। बाकी तो हेयर ड्रायर से मैं कर दूंगा इसको कुछ। अब इम्पोर्टेंट ये है कि कैमरा का अच्छा से लगे, क्योंकि कैमरे का तो इम्पोर्टेंट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। कैमरे का हो गया, ये रहा आपका कैमरे का। तो कैमरे का एक बार लगा लेते हैं, सबसे पहले हमारा वेट वाइप यूज करेंगे हम लोग। फिर हम लोग करेंगे ड्राई वाइप, ये रहा। यार ये तो पूरा फिट बैठ गया ना इसमें, इसमें लाइन आ गई क्या, ये लाइन मुझे दिख रही है, पूरा फिट बैठ गया इसमें आराम से। थोड़ा सा टेढ़ा लगा है बड़ा, खैर एक बार देखता हूँ मैं, इसको ऑन करके देख लेते हैं एक बार। खैर यहाँ वाला तो गिर गया मुझसे, तो उसके तो खैर कोई बात नहीं, बैक वाला लगा लेते हैं एक बार। ये थोड़ा ध्यान से लगाएंगे, क्या करने गिर गया था यार, गलती थोड़ी है हमारी, प्रोफेशनल थी इसको अच्छे से कर, पर मैं तो समझ नहीं आता स्क्रैच लग गया क्या ऊपर में शायद, एक स्क्रैच लग भी गया अगर आपको दिख रहा हो तो। फिर भी अब हम इसको यहाँ से ये लगेगा, यहाँ से इस तरह से लगेगा, ठीक है। तो
अगर मैं देखूँ तो यहाँ से सेंटर पर कहीं से करके, चलो 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 बहुत बढ़िया, ये अच्छे से फिट हो गया है। ऑन हो नहीं रहा है, इसमें बैटरी नहीं है अभी, खैर तो ये एक दिक्कत है, बट हाँ ये अच्छे से फिट हो गया है। ठीक है, तो एक बार इसको और क्लीन कर देते हैं यहाँ से कैमरे पे, यार यहाँ से हट गया है, बट कोई बात नहीं। अब खैर खैर ऑब्वियसली कैमरे पे तो खैर मुझे लगता था जरूरत भी नहीं है, बट हाँ कोई बात नहीं, अगर दे दिया था हाँ कोई बात नहीं। तो अब एक ये जो इसकी केसिंग है, इस केसिंग में इसको डाल देते हैं अच्छे से, है ना। तो ये इसकी केसिंग है, इस केसिंग में इसको डाल देता हूँ। तो जितना एक्सपेंसिव गोप्रो आता है ना उतना, मतलब अगर आपको यूज़ है तभी आप खरीदो, वरना कोई पॉइंट नहीं है। अभी इसकी केसिंग है ठीक है, कि एक ऑलरेडी प्रोटेक्टिव लेयर है यहाँ पर, है ना। तो अब खैर एक अच्छा दिया था वो, खैर मुझसे नहीं लगा था, अब खैर उसमें तो कोई मैं कुछ कर ही नहीं सकता, बट ये एक अच्छा है कि डाल दिया। तो अब इसको इसमें घुसाने के लिए कुछ चाहिए होगा, ये कैसे घुसेंगे, किलो तो पिन चाहिए हुआ, वो आ गया। तो इस तरह से कर दीजिए ये इस तरह का, तो ठीक है। अब ये लग गया है हमारा GoPro, इसको पूरा टाइट कर दो, एक अच्छा हो गया है। मुझे थोड़ा सा इस पे डाउट है कि टूटे या हटे, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना अब काफ़ी अच्छा है कि आपने इसको हटाया, फ़ोटो खींची, वापस लगा लिया। क्या इसमें भी कुछ कवर इनको लगाना चाहिए ताकि गिरे नहीं, ये बटन पता नहीं। अच्छा ये बटन इसलिए कि अगर आपको इसकी लेंथ और वो इनक्रीज़ करनी है। तो इस तरह से ये एक एक छोटा सा ब्लॉक था ठीक है, ये चीज़ें फेंक देते हैं, बाकी हम चीज़ें फेंक देते हैं ठीक है, अभी चीज़ें हमने फेंक दी हैं। ये एक इसका अच्छा लगा तो इसको हम यहाँ रख लेंगे, बाकी तो कुछ जरूरत है नहीं, है ना। तो मैं इसको थोड़ा चार्ज कर दूंगा फिर आपको एक बार दिखा दूंगा, बट काफ़ी अब प्रोटेक्ट मतलब लग रहा है कि ना, हाँ काफ़ी अब प्रोटेक्ट और हो गया थोड़ा ज़्यादा, है ना। तो एक बार स्टार्ट हो जाता तो बेटर रहता। हाँ बट एक इशू है कि आपको अगर बैटरी चार्ज करनी है तो आपको चाहे कुछ भी करो आपको इसको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बैटरी का खैर इस साइड आता है राइट साइड में ना यहाँ से, तो वो देखना पड़ेगा। तो मैं इसको खोल के अब मुझे एक्चुअली बैटरी चार्ज करनी है तो मैं कर लूँगा। बाकी ये एक छोटा सा व्लॉग था ठीक है, छोटा सा व्लॉग ज़रूर था, बट कोशिश है, कोशिश यही रहती हमारी कि आपको अच्छी चीज़ें हम बता पाएँ, क्योंकि मैं वही हम लोग वही चीज़ ऑर्डर करते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं ना। और ऑब्वियसली अगर हम कुछ ऐसी चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं जो खुद के लिए, तो कुछ गलत चीज़ ऑर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि पैसे लग रहे किसी ने स्पॉन्सर तो किया नहीं है, है ना। तो यार वीडियोस लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ताकि हमें कोई लोग स्पॉन्सर करे ठीक है। चलो ठीक है, बाय।